आगे उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे 50 करोड़ के घोटाले को लेकर जो बात सामने आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पशुपालन विभाग में जो घोटाले की बात सामने आई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मपाल सिंह ने यह बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, पशुपालन मंत्री है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। पशुपालन मंत्री धर्मपाल जी बैठे हुए सर, घोटाला सामने आया है, सबकी नजर इसी पर है, क्या कुछ ये घोटाला है, 50 करोड़ का ये कैसे घोटाला हो गया आपकी सरकार रहते हुए? देखिए योगी, दो सरकार जीरो टॉलरेंस पर आई है, और जीरो टॉलरेंस पे जो भ्रष्टाचार का है इस पर हमने अभी इसको पढ़ा, और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी को हमने इसको व्हाट्सअप कर दिया, निर्देशित कर दिया है कि इस प्रकरण की जाँच करा लें, और 3 दिन में इसके परिणाम को आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से ये अधिकारी, इसमें संलिप्तता अधिकारियों की पाई गई, माननीय मंत्री जी का कोई संदर्भ नहीं आया है, अधिकारी ही इसके घेरे में आए, नाम भी दिए गए हैं, इसके लिए हमने एक जांच समिति तय कर दी है। जांच समिति में जो दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए साफ तौर पर 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और उसके तहत कार्रवाई सीधी हो जाएगी, यानी जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी 2.0 में किसी भी व्यक्ति जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन महेश के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, ZBTR।